बी या सिक्स फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक या स्कूटर अगर आपके पास है तो। कभी इंजन चेक लाइट मीटर कंसोल पे आ जाती है और फिर अपने आप ही चली जाती है, या फिर आपकी बाइक कम फ्यूल एवरेज दे रही है, या फिर कुछ किलोमीटर चलने के बाद बंद हो जाती है, या फिर पिकअप काम हो जाता है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। OBD2B या 6 नॉर्म्स में एक सबसे जरूरी सेंसर को मैप किया गया है जिसका नाम है ऑक्सीजन सेंसर, जिसकी वजह से ये सभी प्रॉब्लम्स आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण लेकिन कम चर्चा किए गए कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे जो आपके बाइक के प्रदर्शन और पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी है, जिसका नाम है ऑक्सीजन सेंसर। इसको O2 सेंसर भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑक्सीजन सेंसर क्या होता है, कैसे काम करता है और बाइक में इसकी क्या भूमिका होती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। ऑक्सीजन सेंसर क्या है? ऑक्सीजन सेंसर, जिसे O2 सेंसर भी कहा जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बाइक के एग्जॉस्ट सिस्टम में लगा होता है। इसका मुख्य काम इंजन से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसों में ऑक्सीजन की मात्रा को मापना होता है। ये सेंसर ऑक्सीजन की मात्रा की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को भेजता है ताकि फ्यूल एयर मिक्सचर को सही तरीके से एडजस्ट किया जा सके और आप अलग अलग स्पीड और वेदर कंडीशन के हिसाब से अपनी बाइक को चला सके। ऑक्सीजन सेंसर कैसे काम करता है? ऑक्सीजन सेंसर सिरेमिक से बना होता है और उसके ऊपर प्लेटिनम की कोटिंग होती है। जब एग्जॉस्ट गैस इसके संपर्क में आती है तो ये गैसों में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है और वोल्टेज के रूप में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को संकेत भेजता है। अगर एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है तो इसका मतलब होता है कि फ्यूल एयर मिक्सचर लीन है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो मिक्सचर रिच है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट इन संकेतों के आधार पर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को एडजस्ट करता है ताकि सही फ्यूल एयर रेशियो बना रहे। ऑक्सीजन सेंसर का महत्व। ऑक्सीजन सेंसर की वजह से बाइक का फ्यूल एयर मिक्सचर हमेशा सही रहता है, जिससे कई फायदे होते हैं। नंबर 1, फ्यूल इकोनॉमी। अगर ऑक्सीजन सेंसर खराब हो गया है या उसके ऊपर ज्यादा कार्बन जम गया है तो ये एग्जॉस्ट गैसेस में ऑक्सीजन को सही मात्रा की रीडिंग ECU को नहीं देगा। सही मिक्सचर से फ्यूल की बचत होती है। नंबर 2, इंजन परफॉर्मेंस। सही थ्रोटल के साथ सही फ्यूल एयर मिक्सचर नहीं होने से इंजन अधिक वाइब्रेशन करेगा और ओवरहीटिंग होती है। इंजन की स्मूथनेस और रिस्पॉन्स बेहतर होता है। नंबर 3, कम प्रदूषण। सही मिक्सचर की वजह से कम हानिकारक गैसें निकलती हैं, जिससे पर्यावरण को कम नुकसान होता है। ऑक्सीजन सेंसर की खराबी के लक्षण। यदि ऑक्सीजन सेंसर खराब हो जाता है तो बाइक में कुछ लक्षण दिख सकते हैं। पहला, माइलेज कम हो जाना। ऑक्सीजन सेंसर की खराबी के कारण सबसे पहले आपकी बाइक का फ्यूल एवरेज कम हो जाएगा। दूसरा, इंजन की परफॉर्मेंस में कमी। ऑक्सीजन सेंसर की खराबी के कारण आपकी बाइक का पिकअप और परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। तीसरा, एग्जॉस्ट से अधिक धुआं निकलना। ऑक्सीजन सेंसर की खराबी के कारण आपकी बाइक के एग्जॉस्ट से अधिक काला धुआं निकलने लगेगा और आपको फ्यूल की स्मेल अधिक लगने लगेगी। और चौथा, इंजन चेक लाइट जलना। ऑक्सीजन सेंसर की खराबी के कारण आपकी बाइक के मीटर कंसोल पर इंजन चेक लाइट आ जाएगी। अगर ऐसे लक्षण दिखें तो बाइक को सर्विस सेंटर पर ले जाकर ऑक्सीजन सेंसर को चेक करवाएं। ऑक्सीजन सेंसर की मेंटेनेंस। ऑक्सीजन सेंसर को नियमित रूप से चेक और साफ करवाना बेहद जरूरी है। इसे हर सर्विस में साफ करना जरूरी है। आमतौर पर 20,000 से 40,000 किलोमीटर के बाद इसे बदलने की सलाह दी जाती है, लेकिन यह आपके बाइक मॉडल और सेंसर की क्वालिटी पर निर्भर करता है। अगर आप ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपकी एडवांस लर्निंग के लिए उडमी सर्टिफाइड मोटरसाइकिल एंड स्कूटर टेक्नोलॉजी का एक कोर्स है जो कि हिंदी भाषा में है, जिस
एंड वीडियो फॉर्मेट में 80 लेक्चर है जिसका टाइम 6 घंटे है। इसमें मोटरसाइकिल और स्कूटर के 211 टॉपिक्स कवर किए गए हैं। आसानी से समझने के लिए पूरे कोर्स को 3 पार्ट बॉडी, इंजन और इलेक्ट्रिकल में रखा गया है। साथ ही 3 बोनस लेक्चर भी है और इस कोर्स को पूरा करने के बाद आपको उडमी से सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए UDEMY के इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार डेमो लेक्चर जरूर देखें। तो दोस्तों, ये था ऑक्सीजन सेंसर का पूरा विवरण। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन करे और फ्यूल की बचत हो, तो ऑक्सीजन सेंसर को नजरअंदाज न करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द ही आपसे और अधिक उपयोगी वीडियो के साथ मिलूंगा।